एग्जाम दिया तो मुझे AIEEE में ऐसा रैंक आया कि मैं NIT में जा सकता था। लेकिन क्या बोले? डेफिनेटली मेरे पॉडकास्ट में तू मेरा पोल खोल दो एग्जैक्टली इट इज नॉट वन वे पॉडकास्ट ना, यू शुड सी, पीपल शुड नो अबाउट यू आल्सो। सेशन था भी नहीं, बस किंग फिशर में प्रॉब्लम आई थी, क्या था वो तो पता है अब सबको, क्यों प्रॉब्लम थी और वहां से लोग निकाले जा रहे थे, तो हमारे सोसाइटी में पापा लोग, नहीं भाई रिसेशन आ रहा है, ये नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिलेगी, तो समहाउ आई लैंड अप इन द कॉलेज समवेयर इन द हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड, जबकि मणिपाल यूनिवर्सिटी का एग्जाम मैंने भी दिया था। और हाँ, मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिली थी और एक था ज्वेलरी डिजाइनिंग करके समथिंग, पहले काउंसलिंग में, ठीक है। मुझे बाद में पता चला कि मैं एक सेमेस्टर बाद भी अगर जाता तो मुझे मैकेनिकल या कुछ मिल जाता, ठीक है। और मुझे चीज बहुत टाइम बाद पता चली कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। तो इसमें वही वाली बात आती कि ये चीज ना कोई बताने वाला नहीं था, और नेट इतना एक्सेस नहीं था कि हम यूट्यूब पे जाके, जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ उस समय ऐसा नहीं ना बोलेगा कि कहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा को बुला रही है सर। अच्छी बात है ना, अगर ऐसा बोले तो, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। हमारे टाइम में AIEEE अलग है, JEE IIT का अलग हो रहा है, फिर हम स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, WJEE दे रहे हैं, कॉमेट के कर्नाटका, क्यूसेट केरला, और पता नहीं उड़ीसा का भी एग्जाम था। तो रैंडमली कितने एग्जाम थे, तूने क्रैक किए थे, ये कॉलेज में एडमिशन दिला तो यहाँ से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अभी बैंगलोर उंगलोर मत भेजो, बड़ा खर्चा भी होगा और 4 साल के बाद कोई गारंटी नहीं। अब मुझे पता है कि वो कितना गलत था और उसके वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ। is what you have to cross verify whatever others are suggesting you. It is not like you just follow whatever others are telling, whether he is from the same college or different college or anywhere. You should understand what is right for you by taking suggestions from more people. It's not like only one. Yes, भी आता था, मुझे पता है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पे मैं रूम में जाता था, मैं देखता था कि चलो कौशल के साथ बैठ के पढ़ लेंगे, तो मैं देखा रूम में बैठा कौशल शांति से पढ़ रहा, और कौशल से डांट ही पड़ती थी, चुपचाप पढ़ाई कर ले, बात नहीं करनी, यार नहीं हो रहा, मुझसे नहीं आ रहा इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट डेवलपमेंट कैसे होता है ये है ना कि इट कांट बी टॉट। तू बोलेगा तो बच्चे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, या फिर उनके पेरेंट्स बोलेंगे तो इट शुड कम फ्रॉम इनर हार्ट। PCM इज द ओनली क्राइटेरिया, या इंजीनियरिंग ही बस एक ऑप्शन रह गया करियर का, कि बस उसी के पीछे भागना चाहिए, वही एक मेन स्ट्रीम जॉब दिला सकता है, क्या फ्यूचर है? क्योंकि बहुत सारी चीजें AI ड्रिवन हो रही है, ऑटोमेटेड हो रही है, ठीक है, और आजकल कंपनी भी फ्रीलांसिंग और थर्ड पार्टी पे जा रही है, मुझे भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अब ना वो इंजीनियरिंग वाला जो हमारे टाइम में एक था क्रेज और मेन स्ट्रीम वाला, अब शायद वो नहीं है, तो तुम बेटर बता सकते हो ये चीज़।